तो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? फाइन हो? तो वेलकम टू इन्फिनिटी स्कॉलर सब चैनल। तो आज हम सेकंड टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट का। तो फर्स्ट टॉपिक हमने कौन सा पढ़ा था? एसिड एंड बेस सॉल्ट में हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था एसिड बेस क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द अरेनियस थ्योरी। ठीक है, हमने अरेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग पढ़ा कि एसिड एंड बेस क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस कौन से होते हैं जो एसिड होते हैं और ऐसे सब्सटेंस कौन से होते हैं जो बेस होते हैं। वहाँ पे हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि एसिड इज़ ए सब्सटेंस विच रिलीजस एच प्लस आयन्स एंड बेस इज़ ए सब्सटेंस विच रिलीजस ओ एच माइनस आयन इन वाटर। एक्वेशियस में सब होता है, एक्वेशियस सॉल्यूशंस में होता है। तो यहाँ पे हम सेकेंड थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ ब्रोनस्टेड लॉरी एसिड बेस थ्योरी। ठीक है, वहाँ पे उन्होंने अपने व्यूज़ रखे थे कि एसिड कौन सा सब्सटेंस होता है अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपेरिमेंटल थ्योरीज। यहाँ पे इन्होंने ब्रोनस्टेड सर थे और एक लॉरी सर से, उनके अकॉर्डिंग एक्सपेरिमेंटल थ्योरीज के अकॉर्डिंग एसिड कौन सा सब्सटेंस होता है और ऐसे क्या प्रॉपर्टीज़ होती है एसिड में या फिर बेस में, उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किए। ठीक है, तो ये सेकेंड थ्योरी का नाम है ब्रोनस्टेड लॉरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसस। ठीक है, तो ब्रोनस्टेड सर और लॉरी सर का कहना था कि एसिड एक ऐसे सब्सटेंस है जो एच प्लस आयन्स को डोनेट करते हैं या फिर रिलीज करते हैं। ठीक है, ऐसे सब्सटेंस जो एच प्लस आयन्स को रिलीज करे इन एनी सॉल्वेंट वी कॉल इट एज एसिड। ठीक है, तो बेस कौन सा सब्सटेंस हुआ? तो हमने अरेनियस थ्योरी में पढ़ा था कि बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जो बेसिक ऐसा सब्सटेंस है जो वो ओ एच माइनस आयन को रिलीज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेस एक ऐसा सब्सटेंस है अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रोनस्टेड एसिड बेस थ्योरी, बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जो एच प्लस आयन्स को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, एच प्लस आयन्स को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। मैं दोनों थ्योरीज का यहाँ पे लिख लेती हूँ एक बार। यहाँ पे मैं लिखती हूँ अरेनियस, क्योंकि हमें डिफरेंस भी पता होना चाहिए। यहाँ पे लिखती हूँ लॉरी ब्रोनस्टेड। ठीक है, एसिड अकॉर्डिंग टू अरेनियस थ्योरी, एसिड क्या होता है? जो एच प्लस को रिलीज करे, क्या करे? एच प्लस को रिलीज करे। और बेस क्या होता है? जो ओ एच माइनस को रिलीज करे। वैसे ही अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रोनस्टेड क्या होगा? जो एच प्लस को रिलीज करे उन्हें कहेंगे एसिड, और जो H प्लस को एक्सेप्ट करेंगे उन्हें कहेंगे बेस। ठीक है, सिंपल सा था कन्फ्यूजन जो मैंने यहाँ पे दूर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं लॉरी ब्रोनस्टेड, तो हम उनके रूल्स फॉलो करेंगे। एसिड जो यहाँ पे मैंने लिया है डेट इज़ H प्लस। यहाँ पे कौन सा एसिड लिया मैंने? H प्लस एसिड को लिया। तो यहाँ पे क्या होगा, हमें पता है इस एसिड का नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये क्या करेगा? वाटर में जाते ही एच प्लस और सी एल माइनस आयन्स को रिलीज करेगा। क्या करेगा? सी एच प्लस और सी एल माइनस आयन्स को रिलीज करेगा, एच प्लस प्लस सी एल माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे जो वो बेस प्रेजेंट है, तो बेस क्या करेगा? इस एच प्लस आयन्स को एक्सेप्ट कर लेगा। तो उसे तो उन्होंने बेस कहा है जो एच प्लस आयन्स को एक्सेप्ट कर ले। जैसे ही इस एच प्लस आयन को ये वाटर बेस एक्सेप्ट कर लेगा, तो वो फॉर्म करेगा एच थ्री ओ प्लस आयन, और ये जो सी एल माइनस आयन है तो वो सोल्यूशन में ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इसे हम क्या नाम देते हैं? हाइड्रोनियम आयन देते हैं। H3O+ को नाम क्या होता है? हाइड्रोनियम। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो एसिड होता है वो क्या करता है? H प्लस को रिलीज करता है, और जो बेस यहाँ पे प्रेजेंट है वो क्या करता है? H प्लस आयन को एक्सेप्ट करता है। लेकिन यहाँ पे मेन चीज़ जो है, बताने वाली ये है कि जो एसिड जो है वो H प्लस आयन को रिलीज करेगा, तो क्या फॉर्मेशन होगा? H3O+ आयन का। जो ये H3O+ आयन है, इसे हम कहते हैं कॉन्जुगेट बेस। क्या नाम देते हैं? कॉन्जुगेट बेस। और जो Cl- आयन है, इसे हम कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड।
क्या नाम देते हैं, कॉन्जुगेट एसिड का। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन एसिड से फॉर्म होता है कॉन्जुगेट बेस और बेस से फॉर्म होता है कॉन्जुगेट एसिड। हम डिफरेंट एग्जांपल करते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगी बात। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिखी है जहाँ पे HNO3 plus H2O लिखा है, यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ H3O plus और NO3 minus का। तो आपको क्वेश्चन आएंगे आइडेंटिफाई द कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस, राइट। जैसे कि आपको पता है HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड होता है तो वाटर में जाते ही क्या करेगा, एच प्लस आयन को रिलीज करेगा। जैसे ही वो एच प्लस आयन रिलीज होगा तो ये वाटर क्या करेगा, इस एच प्लस आयन को एक्सेप्ट कर लेगा। वाटर एक्सेप्ट कर लेगा तो यहाँ पे टू हाइड्रोजन्स प्रेजेंट थे, तो अगर एच प्लस आयन को एक्सेप्ट कर लेगा तो क्या हो जाएंगे, थ्री हाइड्रोजन। तो थ्री हाइड्रोजन अगर हो ले लेगा तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा, एच थ्री ओ प्लस आयन का, ठीक है। एंड द रिमेनिंग पार्ट एनओ थ्री माइनस यहाँ पे प्रेजेंट होगा, राइट। तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हुआ है, HNO3 ने H+ का रिलीज किया है तो यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है H3O+ आयन का। तो ये क्या हुआ, ये हुआ कॉन्जुगेट बेस, क्योंकि ये बेस से फॉर्म हो रहा है, बेस से फॉर्म हो रहा है तो यहाँ पे ये इसका नाम होगा कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है, गॉट इट। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ये क्या है, HCN हाइड्रोजन साइनाइड, क्या होगा, ये भी क्या करेगा, H प्लस आयन को रिलीज करेगा, और जैसे ही वो H प्लस आयन को रिलीज करेगा तो ये वो एच टू ओ इस H प्लस आयन को एक्सेप्ट कर लेगा और फॉर्मेशन करेगा एच थ्री ओ प्लस का और सी एन माइनस का। सो सी एन माइनस विल बी कॉन्जुगेट एसिड एंड एच थ्री ओ प्लस विल बी कॉन्जुगेट बेस, क्या होगा, वो कॉन्जुगेट बेस होगा, ठीक है। समझ आई बात कि हमें किसे कॉन्जुगेट एसिड कहना है, किसे कॉन्जुगेट बेस कहना है। एसिड H प्लस आयन्स को रिलीज करेगा और बेस H प्लस आयन को एक्सेप्ट करेगा और फिर फॉर्मेशन होगा कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस का। इसलिए इसे कहा, क्या कहा जाता है, कॉन्जुगेट एसिड बेस भी कहा जाता है, कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी, ओके। देन यहाँ पे एक बात आती है कि सारे जो स्पीशीज फॉर्म होते हैं वो हमेशा न्यूट्रल नहीं होते, यहाँ पे आयोनिक स्पीशीज भी यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल जो नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं ये है NH4+, ठीक है, एंड H2O, H2O, राइट। तो NH4+ जो होता है उसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। जो नाइट्रोजन होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है, बिकॉज नाइट्रोजन की एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेवन। सो इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन विल बी टू एंड फाइव, ठीक है, टू एंड फाइव। तो जनरली जो नाइट्रोजन है वो थ्री बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करता है, बट उसने अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देके क्या कर दिया होता है, एक H प्लस आयन को पहले ही एक्सेप्ट कर लिया होता है, ठीक है। तो इसलिए इधर क्या फॉर्मेशन हुआ है, NH4 प्लस आयन का। तो वाटर क्या करेगा, जैसे ही वो अपने एक्स्ट्रा H प्लस आयन को रिलीज करेगा, वाटर इस H प्लस आयन को एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मेशन होगा H3O प्लस आयन का और अमोनिया, जिसका नाम होता है अमोनिया गैस NH3 का भी रिलीज होगा, ठीक है। वो एक्वेशियस फॉर्म में प्रेजेंट, इसलिए हमने इसे एक्वेशियस लिखा है, फिर वो बाद में रिलीज होकर अमोनिया गैस में प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जिसने H+ को रिलीज किया उसे हम क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे, तो इसलिए हमने इसे एसिड नाम दिया है। जिसने H+ को एक्सेप्ट किया उसे हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मेशन होता है कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस का, गॉट इट। पहले हमने पढ़ी अरेनियस थियरी, जिसके अकॉर्डिंग एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो H प्लस को रिलीज करता है और ओ एच माइनस को रिलीज करने वाले को बेस कहेंगे। वैसे अकॉर्डिंग टू लोरी ब्रोंस्टेड एसिड बेस थ्योरी, जो H प्लस को रिलीज करते हैं उन्हें एसिड कहते हैं और जो H प्लस को एक्सेप्ट करते हैं उन्हें बेस कहते हैं, ठीक है। तो ये दो थ्योरीज थे जिनके बारे में हमने पढ़ चुके हैं। फिर इसके बाद आएगा लेविस एसिड बेस थ्योरी, जो डिफरेंट थ्योरी होती है अकॉर्डिंग टू फ्रॉम बोथ ऑफ दिस, ओके। अगर आपको कोई भी डाउट्स आते हैं तो प्लीज़ कमेंट में पोस्ट कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।